दीप कुमार नाम है, मैं वाराणसी का नागरिक हूँ। जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं क्यों? जय श्री राम का नारा इसलिए हम लोग लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल में जय श्री राम बोलने पे लाठी चार्ज कर रही हैं, वहाँ के लोगों को मार रही हैं, जो कि ये गलत बात है। हम लोग यहाँ से संदेश देना चाहते हैं कि वो भी जय श्री राम का नारा लगाएं और कम से कम वहाँ की जनता के लिए सोचें। अपना परिचय बता दीजिए। जी, श्रीपति मिश्रा, वाराणसी का आम नागरिक। ये बताइए किस तरीके के आप लोग आज जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, क्यों? देखिए, राम मुक्ति का नाम है। अगर किसी व्यक्ति को मुक्ति चाहिए तो राम नाम लेना ही पड़ेगा। और जिस प्रकार से देश में पश्चिम बंगाल में जो सरकार है, पश्चिम बंगाल हमेशा से ऐसी भूमि रही है जहाँ से एक वीर ज्ञानी और क्रांतिकारी पुरुष निकले हुए हैं, वहाँ ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से चिढ़ रही हैं, जय श्री राम का नाम लेने पे चिढ़ रही हैं, लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही हैं। इसलिए काशी की जनता, काशी के आम युवकों ने काशी से ये संदेश भेजा है, माँ गंगा के घाट से, बगल में संकट मोचन मंदिर है, कि श्री राम का नारा राम मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति का नाम है। अगर हम जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए इस बार वो राक्षसी प्रवृत्ति का उनका अंत यही जय श्री राम के माध्यम से होगा, यही काशी की धरती से हम लोग संदेश देना चाह रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया है। जय श्री राम देख के आप कुरियर भी कर रही हैं, क्या करेंगे आप? जय श्री राम हमने लिखा है, आप जैसे देख रहे हैं, अभी हम ममता बनर्जी को इसी कुरियर पैकेज में लिख करके उनको भेजेंगे। ये काशी के घाटों से काशी के युवाओं ने आपको लिख के भेजा है कि जय श्री राम कहने में कोई गुरेज नहीं है, राम मुक्ति का नाम है। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो राम
राम का नाम लीजिए और इस प्रकार के आताताइयों घुसपैठियों को रोहिंग्या को बांग्लादेशियों को शरण देने से अच्छा है कि आप राम भक्तों को शरण दीजिए, राम भक्तों को वहाँ अच्छा काम करने दीजिए। यही हमारा संदेश है, इसीलिए आज हम इनको भेज रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।